एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेजेंट एज ऑफ राशिद फादर इज थ्राइस ऑफ राशिद एज। मतलब राशिद की जो एज है उसके कंपेयर करके अगर हम देखें तो राशिद के फादर की एट प्रेजेंट अभी जो एज है वो उससे तीन गुना है। थ्री टाइम्स मीन्स तीन गुना। आफ्टर 5 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस वुड बी 70। मतलब अगर 5 साल बाद देखें तो 5 ईयर्स बाद राशिद की एज भी 5 ईयर बढ़ जाएगी और उसके फादर की एज भी 5 ईयर बढ़ जाएगी प्रेजेंट एज से। तो दोनों का जब सम करेंगे तो वो हो जाएगा 70। सो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम राशिद की एज को मान लेते हैं एक्स। सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राशिद बी एक्स। राशिद की एज को हमने क्या मान लिया, प्रेजेंट एज को एक्स। उसके फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, उसकी तीन गुना। तीन गुना मीन्स एक्स का तीन गुना तो हो जाएगा 3x। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ राशिद फादर इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, 5 ईयर के बाद में राशिद की एज क्या हो जाएगी, 5 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो राशिद की एज हो जाएगी x प्लस 5 और उसके फादर की एज क्या हो जाएगी 3x प्लस 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद में राशिद की एज इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और राशिद की फादर की एज, राशिद फादर एज, राशिद के फादर की पहले एज क्या थी 3x थी, तो इसके अंदर 5 और प्लस हो जाएगा, सो इट विल बिकम 3x प्लस 5। अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, आफ्टर 5 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस वुड बी 70। मतलब x प्लस 5 राशिद की एज और उसके फादर की एज 3x प्लस 5, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा 70। सो हम लिख लेंगे इसको x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 70। अब इसको असेंबल कर लो, देखो x प्लस 3x और x को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, तो इधर हो जाएगा 4x, इधर हमारे पास कितना है 70 है और ये 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। इस 10 को हम उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा 60 और इधर है 4x। अभी x के साथ में 4 मल्टीप्लाई में तो हम दोनों तरफ इसको डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 4x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, 4 वन 4 एंड 4 को जो 15 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा 60। तो x क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 15। हमने x किसको माना था, राशिद की प्रेजेंट एज को, हमें फाइंड भी इनकी प्रेजेंट एज ही करनी है, तो राशिद की एज हमारे कितनी निकल गई 50। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे राशिद प्रेजेंट एज, राशिद की प्रेजेंट एज कितनी ली थी हमने x, जो कि कितना ही है 15 ईयर्स। अब राशिद के फादर की प्रेजेंट एज देखेंगे, राशिद फादर प्रेजेंट एज, राशिद के फादर की प्रेजेंट एज हमने ली थी 3x, इट मींस 3 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 15 45। सो उसके फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 45 ईयर्स। ओके, इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। अमरजीत लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज सन। अमरजीत अपनी जो टोटल प्रॉपर्टी है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो उसके सन के लिए छोड़ के दिया है उसने, 1/5 फॉर हिज डॉटर, और उसकी प्रॉपर्टी का 1/5 पार्ट जो है वो उसने उसकी डॉटर को दिया है, और 1/3 और 1/5 निकालने के बाद जो पार्ट बचा है वो उसकी वाइफ के लिए है। इफ़ वाइफ शेयर्स इन द प्रॉपर्टी वॉज वर्थ 5,600, उसकी वाइफ को जो शेयर मिला है वो इतने रुपए का है, तो फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ अमरजीत प्रॉपर्टी। तो टोटल अमरजीत को जो प्रॉपर्टी है, अमरजीत की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम अमरजीत की प्रॉपर्टी को अज्यूम कर लेंगे x। सो
let Amarjeet's property be X, ठीक है, अमरजीत की property को X मान लेते हैं। तो उसके son को किसका कितना हिस्सा मिला है, son's share, सन का शेयर कितना है उसका, वन थर्ड ऑफ इस प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी अगर एक्स है तो इसका वन थर्ड जो है, मींस वन थर्ड ऑफ एक्स वो है उसके सन का हिस्सा। तो वन इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स और अपॉन थ्री, ये है उसके सन का हिस्सा। तो उसी तरह उसके डॉटर का पार्ट भी देख लेंगे हम, डॉटर्स शेयर, डॉटर्स को कितना शेयर दिया है उसने, वन फिफ्थ। तो उसकी प्रॉपर्टी टोटल थी x और उसका वन फिफ्थ हिस्सा उसने अपनी डॉटर को दिया है, तो ये हो जाएगा वन फिफ्थ अपॉन वन फिफ्थ इंटू एक्स, सो x इंटू वन एक्स अपॉन फाइव, तो उसकी डॉटर का शेयर है x अपॉन फाइव। और उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी हमें कितनी गिवन है, वाइफ शेयर इज इक्वल्स टू रुपीज 5600, ठीक है, वाइफ का शेयर जो है वो इतना है। अब अगर हम टोटल प्रॉपर्टी में से उसके सन और उसकी डॉटर का शेयर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वाइफ का शेयर जो कि इक्वल्स टू है 5600 के। तो इसको अपन इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x अपॉन थ्री माइनस x अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू 5600। x क्या था, टोटल प्रॉपर्टी, इसके अंदर से हमने सन का शेयर और डॉटर का शेयर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें किसका शेयर मिल जाएगा, वाइफ का शेयर। अब इसको सॉल्व करो, देखो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 की टेबल में 15 15 टाइम्स आता है एंड 15 इंटू एक्स विल बी 15x, देन माइनस का साइन। 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 टाइम्स, 5 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा 5x, फिर माइनस 5 टेबल में 15 आता है 3 टाइम, 3 इंटू एक्स विल बी 3x इज इक्वल्स टू 5600। अब देखो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस वाले एक साथ ले लेते हैं, 5 और 3 को कितना हो जाएगा ये 8x, 15x में से अगर हम 8x माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 7x, और इधर कितना बचेगा 5600, ओके, ये चीज़ यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 7x के नीचे क्या आएगा, 15 है ना, अब अपन इसको ये इधर डिवाइड में 15 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में 7 है और डिवाइड में 15 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 को तो करना पड़ेगा दोनों साइड मल्टीप्लाई और 7 को करना पड़ेगा दोनों साइड डिवाइड। चाहे तो इसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं या फिर दो स्टेप में भी कर सकते हैं कि पहले हम 15 वाली चीज़ करेंगे उसके बाद 7 वाली, तो हम दोनों ही तरह से इसको करके देख सकते हैं। दोनों ही तरह से जब इसको करके देखोगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा x इज इक्वल्स टू 12,000। इसको जब सॉल्व करके देखोगे तो आएगा x इज इक्वल्स टू 12,000। यहाँ रफ वर्क में मैं आपको बता देती हूँ, देखो अपन ने कैसे किया है, यहाँ हमने क्या किया है, 7x के साथ ये डिवाइड में था तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को, इसको भी इंटू 15 कर देंगे, तो ये 15 से 15 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या, 7x इज इक्वल्स टू 84,000। अब ये 7x के साथ मल्टीप्लाई में है तो अपन इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 7x अपॉन 7 इज इक्वल टू 84,000 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 84 12 टाइम आता है और 3 जीरो लग जाएंगे तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12,000। ठीक है, इस तरह से ये मैंने आपको रफ वर्क में बता दिया है कि कैसे सॉल्व होगा। तो हमारी जो हमें फाइंड आउट क्या करना था, अमरजीत की प्रॉपर्टी, तो अमरजीत की टोटल प्रॉपर्टी हमने क्या मानी थी, x, जो कि कितनी है 12,000। तो हम यहाँ लिख लेंगे द टोटल वर्थ ऑफ अमरजीत्स प्रॉपर्टी इज रुपीज 12,000।
Next question number 13. The equal side of isosceles triangle are 2x plus 3 cm and 4x plus minus 1 cm. देखो isosceles triangle क्या होता है? ऐसा triangle जिसकी दो sides equal होती है और एक side अलग होती है ना? तो यहाँ पर जो उसकी जो दो equal side है उसका measurement हमें given है. If the third side is 3x minus 2 cm, जो equal side है उनका तो measurement ये है और जो अनइक्वल साइड है वो ये है. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इनमें जो ये x गिवन है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना है. पेरीमीटर आपको सबको पता ही है, पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, सम ऑफ थ्री साइड्स. तो देखो इसको सॉल्व करते हैं. हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्वल साइड्स हैं ये दोनों. इट मीन्स 2x प्लस 3 जो है वो इक्वल होगा 4x माइनस 1 के, है ना, यही गिवन है. तो अब इसको सॉल्व करो. देखो वेरिएबल वाली टर्म एक साथ ले लो, नॉन वेरिएबल वाली एक साथ. तो ये 2x ये वाली टर्म इधर आएगी, इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस. सो इट विल बिकम माइनस 4x. फिर इधर माइनस 1, ये 3 इधर प्लस में है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस 3. अब इसको सॉल्व करो. देखो 2x माइनस 4x, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x और साइन बड़े नंबर का लगेगा तो इधर माइनस. फिर इक्वल्स 2, यहाँ पे माइनस माइनस है दोनों, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस. सो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 और साइन बड़े नंबर का लगता है इसलिए माइनस. अब दोनों ही तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. अब इधर ये जो 2 के साथ x है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ 2 को डिवाइड कर देंगे. तो हो जाएगा 2x अपॉन 2 is equals to 4 upon 2. 2 से 2 cancel. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So x की value क्या आ गई, 2. ठीक है, x की value हमारी आ गई 2. हमें x की value find out करनी थी. अब next हमें क्या find out करना है, perimeter of the triangle. Perimeter of the triangle find out करने के लिए हमें तीनों side निकालनी पड़ेगी. So हम यहाँ लिख लेंगे, putting x is equals to 2. तो हमारी जो फर्स्ट साइड है, फर्स्ट साइड कितनी गिवन थी हमें, फर्स्ट साइड हमें गिवन है 2x प्लस 3. इसके अंदर हम x की वैल्यू रख देंगे. तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 इज 7. तो फर्स्ट साइड हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर. इसी तरह से सेकंड और थर्ड साइड भी निकालेंगे. देन सेकंड साइड is equals to, second side हमें कितनी given है, 4x minus 1. So ये हो जाएगा 4 into 2 minus 1. 4 2's are 8, 8 minus 1 is 7. तो ये second side भी आ गई हमारी 7. देखो दो side isosceles triangle में दो side equal होती है, तो हमारी ये दोनों side equal ही आई है, 7 cm आई है. Now third side is equals to, third side हमें given 3x minus 2. तो ये 3 into 3 minus 2. 3 into 3 कितना होगा, 9. 9 में से 2 minus करेंगे. Okay. Sorry, 3 into 3 नहीं होगा, 3 into 2 है ना, x की value 2 है. 3 2's are 6. 6 minus 2 करेंगे तो आएगा 4 cm. Okay. तो हमारे इस triangle की जो तीनों side आई है वो है 7, 7 and 4. अब हमें इसका perimeter find out करना है. Perimeter is equals to sum of the three side. The three side इसकी क्या है, 7 plus 7 plus 4. इनको तीनों को plus करेंगे, 7 plus 7 कितना होता है, 14. 14 plus 4 would be 18. तो ये हो जाएगा 18 cm. तो इस triangle का perimeter है 18 cm. Question number 14. The price of carrots is twice that of potatoes. मतलब potato की जो price है उसकी double price कितनी है, वो carrot की price है. मतलब अगर potato 1 रुपए का आता है तो carrot कितने रुपए की आएगी, उसकी 2 गुना, मतलब 2 रुपए की. Raj brought 3 kg carrots and 2 kg potatoes for rupees 160. तो Raj क्या हुआ, 3 kg carrot और 2 kg potato लाता है 160 रुपीस में. हमें find out करना है the per kg price of carrots and potato. हमें ये पता करना है कि carrot और potato की जो price है हर एक किलो की, per kg क्या price है उनकी, है ना. तो देखो इसमें हम क्या कर लेंगे,
हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो पोटैटो के रेफरेंस में कैरेट की प्राइस दे रखी है कि पोटैटो की प्राइस का डबल कर देंगे तो किसकी मिल जाएगी, कैरेट की प्राइस। इसीलिए हम पोटैटो की प्राइस को क्या अज्यूम करेंगे, एक्स। तो यहाँ लिखेंगे लेट द पर केजी प्राइस ऑफ पोटैटोज इज इक्वल्स टू एक्स। पर केजी प्राइस जो है पोटैटो की वो हमने क्या ले ली है, एक्स। तो पर केजी प्राइस ऑफ कैरेट्स, कैरेट्स की पर केजी प्राइस क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ पोटैटो। अगर पोटैटो की प्राइस एक्स है तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, टू एक्स। तो ये हो जाएगा 2x। अब हमें एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, कितना केजी लिया है, कितना केजी बुलाया है कैरेट, 3 केजी। 3 केजी मतलब इस 2x को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। और पोटैटोज कितना है, 2 केजी, मतलब इस x को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 से। तो वो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 160। तो पहले अपन यहाँ इसको लिख लेते हैं, पोटैटोज बॉट बाय राज, पोटैटोज कितने लाया वो, 2 केजी। तो ये हो जाएगा 2 × x, 2 × x कितना होगा, 2x। फिर देखेंगे हम कैरेट बॉट बाय राज, वो कैरेट कितनी लाया है, 3 केजी। तो ये हो जाएगा 3 × कैरेट, हमने क्या लिया था प्राइस, 2x। तो ये हो जाएगा 2x, 3 × 2 = 6। तो ये हो जाएगा 6x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इस 2x और 6x को अगर हम प्लस करेंगे तो वो इक्वल्स टू कितना होगा, 160 के। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 160। एक्स एक्स प्लस हो जाएंगे, 6 + 2 कितना हो गया, 8x इज इक्वल्स टू 160। अब x के साथ ये 8 मल्टीप्लाई में, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सो 8x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 8। 8 से 8 कैंसिल, 8 × 1 = 8 एंड 8 × 2 = 16 और ये हो जाएगा 20। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 20। तो हमने किसको, पोटैटो की प्राइस को कितना माना था, x। सो पर केजी प्राइस ऑफ पोटैटो इज एक्स इज इक्वल्स टू 20 रुपीज ना। फिर नेक्स्ट देखो पर केजी प्राइस ऑफ कैरेट, कैरेट की कितनी मानी थी हमने, 2x। 2x मतलब 2 × 20, 2 × 20 करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 20 करेंगे तो 40 आएगा। इट मीन्स पर केजी प्राइस क्या है कैरेट की, 40 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ का अगर हम ट्वाइस कर दें और उसके अंदर से 8 माइनस कर दें तो हमें उसकी क्या मिल जाएगी, लेंथ। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 56 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हमें दिया है कि उसका पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो है 56 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 लेंथ + ब्रेथ, वो है 56 मीटर। हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें ब्रेथ के रेस्पेक्ट में लेंथ का रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसीलिए हम ब्रेथ को एक्स अज्यूम करेंगे। सो लेट द ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमें क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब 2x। लेंथ हमारी, ब्रेथ हमारी एक्स है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, और उसके अंदर से कितना लेस है, 8 मीटर लेस, इट मीन्स -8। तो लेंथ है हमारी 2x -8। फिर हमें गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर इज 56 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, इट मीन्स 2, फिर l क्या है हमारा, लेंथ ये है। सो 2x - 8 +
प्लस बी होता है, प्लस बी इज एक्स, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 56। यहाँ आप लिख सकते हो, साइड में लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, देखो 2x और x कितना हो गया 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 56। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3x, 2 3 जा 6, तो ये जगह 6x, फिर ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 2 8 जा 16 इज इक्वल्स टू 56। अभी 16 उस तरफ जाएगा, वेरिएबल हम एक तरफ रखेंगे, नॉन वेरिएबल टर्म को एक तरफ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 56 उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, सो 56 प्लस 16, 56 प्लस 16 हो जाएगा 72। अब ये x के साथ इधर ये 6 मल्टीप्लाई में, तो हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे इसको, 6x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर भी ये 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 12 टाइम्स, सो x कितना आ जाएगा हमारा 12। अब हमने x किसको माना था, x हमने अज्यूम किया था ब्रेड्थ को, सो ब्रेड्थ हमारी आ गई है, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 12 मीटर। नेक्स्ट हम लेंथ देखते हैं, लेंथ को हमने क्या अज्यूम किया था, 2x माइनस 8, तो इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 12 माइनस 8, 2 इंटू 12 कितना होगा 24, और 24 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 16, सो हमारी जो लेंथ है वो है 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आई हैव रुपीज 117 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 5 एंड रुपीज 2, मतलब टोटल कितने रुपए हमारे पास 117 रुपीज हैं, और वो जो पैसे रुपीज हैं वो किस फॉर्म में है, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के के फॉर्म में। इफ द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 4 टाइम दैट ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हमारे पास, 5 रुपीज के जितने कॉइन्स है उसके 4 गुना हमारे पास है 2 रुपीज के कॉइन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, हर एक डिनोमिनेशन के हमारे पास कितने कॉइन है हमें वो फाइंड आउट करना है। देखो तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ 5 हमें 5 रुपीज कॉइन के एस्पेक्ट में गिवन है, तो हम इसको ले लेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स को हम क्या ले लेंगे x, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन जो है वो कितने हो जाएंगे, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 4 टाइम दैट ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, 5x रुपीज के जो कॉइन है उसको हमें x माना है, तो उसके 4 टाइम्स हो जाएंगे 2 रुपीज के कॉइन, इट मींस x इंटू 4, तो x इंटू 4 कितना हो जाएगा 4x। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल मनी कितना हो जाएगा 117। ओके, तो और हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ 5 रुपी कॉइन, मतलब 5 रुपी के कॉइन मिलकर कितने पैसे बनाएंगे, तो वो हो जाएगा 5x। वैसे ही अमाउंट ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स कितने पैसे बनाएंगे, 4x इंटू 2 करेंगे हम, तो 4x इंटू 2, 4x इंटू 2 कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, तो 2 रुपीज वाले कॉइन्स जो है उनका अमाउंट है 8x, और 5 रुपीज वाले जो कॉइन्स हैं उनका अमाउंट है 5x। अब हमें क्या गिवन है, इन दोनों का सम जो कि है 117। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 117। xx प्लस हो जाएंगे, 5 और 8 को अगर हम प्लस करेंगे तो विल गेट 13x विच इज इक्वल्स टू 117। अभी x इधर मल्टीप्लाई में, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 13 से 13 कैंसिल, और 13 के टेबल से 117 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, सो x की वैल्यू हो गई 9।
इट मीन्स नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने थे x, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन है टोटल 9. सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स is x is equals to 9. Okay. The next number of 2 rupees coins. 2 rupees coins kitne the? 4x. To ye ho jayega 4 into 9. 4 into 9 kitna hota hai? 36. To 5 rupees ke 9 coins hai aur 2 rupees ke 36 coins hai. So do this question in your notebook and the question given in homework also. Thank you.